तेरे कहे अनुसार मैंने दूसरी शादी कर ली है जी, मेरा मन तो नहीं था, लेकिन बार 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 तूने जबरदस्ती की है और अपनी छोटी बहना को मेरे साथ में ब्याह करके तू लाई है जी, जी, अब देख ले डोले से नहीं उतर रही है। कोई बात नहीं है, अभी छोटी है, अभी छोटी है, अभी नादानी, जब समझदार हो जाएगी तो महाराज आपकी सारी बात सुनेगी और मेरी भी सारी बात मानेगी। तो ऐसा कर, अभी नादान है तेरी छोटी बहन, मेरे कहने से तो उतरी नहीं है, अच्छा एक बार तू उतार ला, तू जा, हाँ उतार ला बहन। क्या क्या बहन, कौन बहन? मुझे महाराज ने बताया है कि तुम महल में अंदर प्रवेश नहीं कर रही हो, तुम डोले में से नहीं उतर रही हो, आखिर ऐसी क्या बात है? अरे तुम मेरी कोई बहन नहीं है, चली जा यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अपनी बहन कम अपनी बेटी ज्यादा मानती थी, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया, क्योंकि एक बड़ी बहन के लिए छोटी बहन बेटी होती है। आज तुम इतनी नाराज हो, मुझसे क्या भूल हो गई? मुझे बताइए और चलो महल के अंदर चलो, ये परिवार ये घर सब कुछ तुम्हारा है, तू यहाँ से चली जा। मैं इस डोले से नीचे पैर नहीं रखूंगी। ये बूढ़ी रानी हो गई है, तू सब मारना चाहती है। मारना चाहती हूँ? इसके गोटे काम करने, इस बुड्ढे के साथ में मेरी शादी करवा दी और कह रही है डोले से नीचे आ जा। देख ले दादा देख ले, अभी तो डोले से नीचे नहीं उतरी है और तर 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 बोल रही है। ये मेरी बहन नहीं है। डोले से नीचे उतर करके आ जाइए, देखो औरतें तेरी आरती करने के लिए खड़ी हैं, गीत गारी गा रही हैं। अरे गीत ना गवाने मुझे, तुझे याद है ना मैंने 3 वचन भरवाए थे महाराज? 3 वचन भरवाए थे, मुझे याद है, मुझे याद है तेरे 3 वचन याद है ना, लेकिन तूने जो 3रा वचन था वो मांगा नहीं है। नहीं मांगा हाँ। लेकिन अब मांगती हूँ, इस डोले से नीचे पैर जब रखूंगी पहले इस बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ यही कह रही हूँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जिस बहन को मैंने अपना सब कुछ दे दिया आज वो मुझे घर से निकाल रही है। वो मुझे घर से निकाल रही है, तू ही तो कह रही थी कर ले शादी दूसरी, सब ले ले बंदो ले ले, सब कुछ दे दिया या कच्चा मेरे किस्मत में लिख दिया तूने, ले जा इसे। अब भुगत ले, मना किया था कई कई बार रानी ऐसा मत कर, मेरी मजबूरी थी महाराज, देखता हूँ कोशिश करके अगर मेरी बात मान जाए। करो महाराज आपकी बात मानेगी रानी, तुम्हारी बड़ी बहन है और देखो इतने प्यार से कह रही है महाराज, तुमने मेरे से शादी की है हाँ या ना? शादी करके लाया हूँ मैं, रानी हूँ या नहीं? अरे तुम रानी हो तो मेरी अभी हाँ मेरी चलेगी, 3रा वचन मानना होगा और बड़ी रानी को घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन रानी अगर तुम अपनी इस जिद पर अड़ी हुई हो तो आपको पता नहीं है, जो औरतें मर्दों की नहीं मानते हैं, पति की नहीं मानती है, वो औरत उसको अच्छी गिनती में नहीं गिना जाता है। ओ, मैं बुरी गिनती में ही ठीक हूँ, लेकिन इसे घर से बाहर निकाल। और कुछ कहना चाहते हो? बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। एरी घर मेरा महाराज, रुकिए महाराज, नहीं रुका जा रहा, आप हड़बड़ा रहे हो महाराज, ठहरिए कहिए। एरी घर मेरा जगावन आड़ी, अच्छा और पीर नहीं हो सानी, तेरे इसने घर पे बाहर काट।
हालात में डलवा दूं। जेल में सड़ेगी तू। दरोगा सी तू खुद ही लग रही है। हाँ तो मैं देख ले तू मेरे कितने कॉन्टैक्ट होंगे तुझे पता नहीं। बेचारी का सुख सुख के पिंजर बंद रहा है। तू भी ऐसा ही हो रहा, तू भी नहीं मोटा ना हो रहा और मुझे भी ऐसा ही कर दोगे तुम दोनों अपने जैसा। और देख तेरा मंत्री है चमचे तुझे नहीं करेंगे तुझे खुराक देंगे पूरी। अच्छा तो इसे निकाल जब मैं ठीक रह सकूं। सूखी रोटी से पेट भर लेंगे। तू रहने महाराज बाहर निकालिए वरना मेरी बात सुनी। अरे के मिल जाएगा रानी के किस्मत अच्छी है मेरी। तू सुकरमान अपनी बड़ी बहन का क्यों? जो एक राजा के साथ में तेरी शादी करवा दी नहीं तो कहीं कोपर्द गेरती डोलती। राजा भी ऐसा जिसके देख दांत भी हिल रहे हैं और देख पिंजर बन रहा शरीर का सूख सूख के। शरीर से क्या लेगी काम से राजा। तू चाहे यहाँ से एक काम कर मेरे साथ चल। ये नारी कर रही घर से मेरे साथ चल। महाराज देना चाहिए कुछ भी राजपाट जा रही है इसके ओ मंत्री इसमें एक धक्के का दम नहीं है। अरे उठा ले दादा मैं क्या करूं कहां कहां 800 मारुति कहां डंपर बराबरी नहीं होता। फिर क्यों मर रहा ब्याह करवाने का डंपर। मेरे माँ बापा ने खवा पिला के अच्छा चला रखा मुझे। या तो राजी से मान जा नहीं तो नहीं तो नहीं तो ऐसे ही मान जाएंगे। मान जाओ तो ओ महाराज नहीं तो पे मत जाओ। एक बात बताओ महाराज जब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो जरूरी है गाड़ी चलाना। बता महाराज के पास लाइसेंस है नहीं और दो दो गाड़ियों का ड्राइवर बनने के चक्कर में है। मंत्री हाँ तेरी बात नहीं आज तेरी भी चढ़ बन रही है। महाराज मैंने मना किया था इस उम्र में दूसरी शादी मत करो। तूने तो मना किया था। अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा अब जमाना बदल चुका है। पहले जैसी औरत नहीं है महाराज। मंत्री हाँ तू सूख सूख के देख कैसा कर दिया इन्होंने अपने जैसा। मेरे साथ रहेगा मौज लेगा मौज। नहीं मुझे नहीं रहना है घर से बाहर। मुझे नहीं रहना है आपके साथ। इसको घर से बाहर मत निकाल। क्या कह रहा था? इस बेचारी ने पूरी जिंदगी भर राजा उत्तानपाद की सेवा की है। अच्छा और अब बुढ़ापे में आके क्यों इसकी खुआरी करवा दी। अकेली रह लूंगी मैं दादा इस घर में भगाओ इन्हें। दादा अगर एक आधी सी मिनट को टाइम वो दे दे तो एक चुटकुला याद आ रहा अगर आप ताली बजा दे तो। दादा आजकल औरतन को ही बोलवा लो आप सच्चाई बता रहा हूं। एक लड़के की शादी हो गई थी दादा और वो बेचारा सीधा था दादा सीधा साधा था बिल्कुल। और उसकी घरवाली की आपस में बनती नहीं थी। जब वो कहता था कि भगवान मैं कहा गर्म पानी कर दे तो वो मना करती थी नहीं करती दादा झट डर जाता था। अब जो पिछोलिया था ना जिसने उसकी शादी करवाई थी
वो दादा के पास पहुंच गया और दादा से जाकर ये कहने लगा कि दादा जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना भाई मेरी घरवाली मेरी बात को नहीं मारती। भाई के कहवे है दादा मैं कुछ भी कहता हूँ भाई वो काम करते तो ये कहती है कि मैं नहीं करती। बेटा इसी बात से डर गया। बेटा किसी टाइम तेरी दादी भी ऐसे ही करती थी। मैं तने एक नुक्सा बता दूं छोटा सा वक्त दादा बता दे जब तेरी वीरवाणी न्यू कहे कि मैं ना करती तो एक ही नुक्सा बेटा ये कह देना या तो फलाना काम कर दे नहीं तो और बेटा तुरंत डर जाएगी तेरा काम हो जाएगा। अब दादा वाला नुक्सा अपना लिया छोरे ने घर गया और घर जाकर न्यू बोला नुके भगवान नुक हाँ पिया जी नुक गर्म पानी कर दे सर्दी पड़ रही है नहाऊंगा नुक मैं नहीं करती या तो कर दे नहीं तो। दादा झट डर गई वन की पता बेरना तो जन के कर देगा झट गर्म पानी कर दिया। काफी टाइम गुजर गया काफी टाइम गुजर गया। एक बार वो अपने पीहर चली गई। अब पीहर जाके दादा ये वीरवाणी और कुछ ना पूछे ये बस इतनी अपनी परिवार में जाके नुक जी तेरा कैसा है वो कैसा है तेरी सासू कैसी है तेरा ससुर कैसा है। एक दादी के पास पहुंच गई नुक दादी जो तेरा दामाद है ना उसने तो मैं घनी परेशान कर रखी हूँ न्यू कह या तो फलाना काम कर दे नहीं ते और दादी घना परेशान करता है। तो बोली बेटी इससे डर गई तेरा दादा भी मेरा तो न्यू ही कहवे था अगर तुझसे ये कहे कि फलाना काम कर दे नहीं थे तो तू ये कह देना नहीं तो बता के कर लेगा। बस बेटी यही नुकसान जा फिर तेरे सामने बोलेगा नहीं। दादा फिर ससुराल आ गई वो घर आया उसने कहा कि सुबह का ड्यूटी पे गया हूँ और सांझ ने घर आया हूँ या तो मेरे लिए गर्म भोजन बना दे नहीं थे उसने कहा नहीं तो बोल क्या कर लेगा क्या कर लेगा। जब कह रहा हूँ कोई बात नहीं ठंडा ही खा लूंगा। तो दादा आजकल मर्दन की तो बस इतनी सी बात है अगर औरत ने कैडी सी आवाज में धमका दिया तो फिर मर्द बोलेगा नहीं। तो राजा साहब नहीं रानी तो बात बहुत पुरानी चल या तो डोले से नीचे उतर के आ जा नहीं था कुछ नहीं करूंगा कुछ नहीं करेगा ना मगाई से घर से बात दो चार अड्डे ने क्यों नहीं करवावे कह महाराज कुछ और तेरी खातिर ठीक जालावास की सरदारी हमारे बीच में पहुंची है। जालावास गोती भाई उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार हमारी रागनी पर दिया गया है। जालावास की सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये 200 रुपए और वीरेंद्र दूधिया जी सरोदा भाई आपका धन्यवाद। कहाँ है दूधिया जी आप ही हैं साहब पर देख लो राजा की थोड़ी हेल्थ कम हो रही है दूध वूध दे दो चार किलो एक दिन में पी का मोटा हो जाएगा फिर क्या करेगा दूधिया पानी का। दूधिया जी देख लो रानी भारी पड़ रही है थोड़ी। आइए इस रागनी पर खुश होकर आदरणीय मुरारी जी पलटा उनकी तरफ से 100 रुपए तोताराम जी पलटा 100 रुपए चांदला डूगरबास पचगावा
धन्यवाद करते हैं चांदगा डुगरवास पचगामा, हमारे बीच में सरदारी पहुंची है, 1000 रुपए अब दिए हैं और 1000 पहले भी दिए थे। धन्यवाद करते हैं चांदगा डुगरवास पचगामा वालों का। दुली चंद पहलवान जी दानाबाज 500 पहले दिए थे, फिर से 500 रुपए देते हैं। धन्यवाद आदरणीय श्री कृष्ण जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम, उनका भी धन्यवाद। रानी हाँ महाराज, देख मैं अंतिम बार कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? रिश्ते में तेरी पान भी लगती है। अच्छा, और जिस माँ की कोख से तूने जन्म लिया है तो? उसी माँ की कोख से इसने जन्म लिया है। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, माँ की कोख से जन्म लिया है, बकाई से उसे बकवास कर रहा है। तो सत्यानाशन इतना तो कर दे, थोड़ी सी एक कोना ही दे दे, महल में एक कोने में पड़ी रहेगी। एक कोने की चले, सुई की नोक जितनी रहे ना उतनी भी जमीन ना दूर से रहने को, बकाइए यहाँ से दफन। गति भी दया धर्म नहीं है तेरे, कहिए सुन ले तो मेरी बात। हाँ सिखा दूं दूध पंजीरी खा।